Now we will learn about sports. Sports का मतलब different different खेलों के बारे में हम पढ़ेंगे। आप सबको खेलना अच्छा लगता है? जब आप पार्क में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे बैट बॉल से खेल रहे हैं, कुछ फुटबॉल से, कुछ गर्ल्स स्किपिंग कर रही हैं, मतलब रस्सी कूद रही हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में बताती हूँ। नंबर 1, टेनिस। टेनिस किसकी हेल्प से खेला जाता है? टेनिस के लिए हमें रैकेट और बॉल की ज़रूरत होती है। आफ्टर देन क्रिकेट। क्रिकेट सबको खेलना पसंद होता है। बैट और बॉल से खेला जाता है क्रिकेट। देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम। आफ्टर देन आर्चरी, मतलब निशानेबाजी। देन पोलो। पोलो एक आउटडोर गेम है जो किस पर खेला जाता है? घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। और पोलो को खेलने के लिए हमें एक स्टिक और एक बॉल की ज़रूरत पड़ती है। हॉकी। हॉकी इज आवर नेशनल गेम। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल। एक बास्केट होती है, उसके अंदर क्या करना होता है? बॉल को डालना होता है। ये दो टीमों के बीच में खेला जाता है। आफ्टर देन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, आप कहेंगे अभी तो मैम ने मुझे टेनिस के बारे में बताया था। ये टेबल टेनिस टेबल पर खेला जाता है। टेबल होता है, उसके एक तरफ एक प्लेयर होता है और दूसरी तरफ दूसरा प्लेयर होता है। टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम। नाउ साइकिलिंग। आप सब शाम को साइकिलिंग करते हैं, सबको अच्छा लगता है साइकिल चलाना, तो उसे हम साइकिलिंग कहते हैं। देन रॉइंग। आफ्टर देन वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब वजन को उठाना। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या कर रहा है? इतना भारी वजन उठा रहा है। देन स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब होता है तैरना। बच्चों, जब भी हम तैरने के लिए जाएं तो हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा या किसी बड़े के साथ ही स्विमिंग करने जाना चाहिए। नाउ बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब कुश्ती, जो ग्लव्स पहन के, देखो बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के खेली जाती है। आफ्टर देन आइस स्केटिंग। आइस का मतलब बर्फ, बर्फ पे जो स्केटिंग की जाती है। देन आइस हॉकी, जैसे बर्फ पर स्केटिंग की जाती है, स्केटिंग के शूज आते हैं, उसी तरह आइस हॉकी होती है जो बर्फ पर की जाती है। देन स्नोइंग बोर्डिंग, बर्फ के ऊपर ऐसे बोर्ड से चला जाता है। देन कार रेस, जब दो कार या दो से तीन कारों के बीच में रेस लगाई जाती है कि सबसे पहले फर्स्ट कौन आएगा। सिकिंग। देन एरोप्लेन रेस, जैसे कार रेस होती है उसी तरह एरोप्लेन रेस होती है। तो बच्चों, आपने अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, तो अब आप अपने मम्मी पापा को अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है।